दोस्तों, आज का अध्याय उनके लिए है दोस्तों, जो एक फोटोग्राफर है, एक बिगनर है, या एक फोटो बनाना सीखना चाहते हैं, या अपने फोटो को अच्छी क्वालिटी में बनाना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आपके चेहरे में बहुत सा दाग धब्बे हैं, उसको कैसे ठीक करेंगे, डार्क है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, स्पॉट है उसको कैसे ठीक करेंगे, और बहुत इजीली उसको मैं ठीक करके मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको दिखलाऊंगा दोस्तों। तो चलिए अपने कंप्यूटर पर उसको देखते हैं और उसको सीखते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे फोटोशॉप का मैं टास्क बार पर टिंग कर लिया हूँ, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों। अब मैं एक फ़ोटो को ओपन कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए, मैं फ़ोटो का मैं ओपन कर लिया हूँ, जो एक फ़ोटो डार्क भी है, और इससे मैं कैसे कैसे करता हूँ आप लोग देखते जाइए और सीखते जाइए दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, इमेज में जाएंगे दोस्तों, और इमेज में एडजस्ट में जाएंगे, और यहाँ पर दे जो कंट्रोल एम जो कर्व, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, और इसका लाइट पहले बढ़ाएंगे, उसके बाद बढ़ाने के बाद ओके करेंगे दोस्तों। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम जूम किए, कंट्रोल प्लस से जूम किए और टैब बटन दबाए, इसका सारा मेनू यहाँ पर से गायब हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर करेंगे क्या, इसका हम मेंटेन करेंगे लेवल, कलर, कंट्रास्ट। सबसे पहले इमेज में जाएंगे दोस्तों और एडजस्ट में जाएंगे, और सबसे पहले हम लोग ब्राइटनेस कंट्रास्ट को लेवल करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे दोस्तों। तो फिर इमेज में जाएंगे दोस्तों, एडजस्ट में जाएंगे, लेवल में जाएंगे दोस्तों। उसको ओके कर देंगे दोस्तों। अब मैं जाऊंगा कलर बैलेंस में, इमेज में जाएंगे, फिर कलर बैलेंस में। सबका शॉर्टकट की यहाँ पर दिया हुआ है, आप कंट्रोल बी ये सब देख सकते हैं, और शॉर्टकट से यूज कीजिएगा तो फटाफट होगा। इसमें हाईलाइट रखेंगे, चलिए इतना करने के बाद अब मैं फिर वापस टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये टूल्स आ जाएगा, और हम इसको लेंगे, ये ब्रश का नाम है हेलिंग ब्रश टूल, इसको लेंगे, और जितना भी स्पॉट है, अब बड़ी करने के लिए ब्रैकेट से इसको हम लोग, और कहीं पे जूम करने कंट्रोल एम, इसका भी टैब बटन से क्लिक करके हटा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एल्ट प्रेस करके कहीं का स्किन का कलर एक बार ले लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर ये क्लीन हो गया। वापस मैं आपको बता रहा हूँ, टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको देख लेना है दोस्तों, यहाँ पर आप इस ब्रश को भी आप देख लीजिए कि आप यह ब्रश से भी अगर ज़्यादा, जैसे आप क्लीन कर रहे हैं, कोई ज़्यादा इसमें से जगह छोड़ रहा है, मतलब कोई निशान छोड़ रहा है, तो ब्रश को आगे पीछे भी कर लीजिए, चेहरा पर जैसे दागे दाग धब्बा छोड़ रहा है तो इस तरह से। सबसे पहले क्या करें, जितना भी आपका ये स्पॉट है उसको आपको हटा दीजिए, वहीं पास में क्लिक कीजिए, यहीं पर पास में क्लिक कीजिए, एल्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करके फिर इस पर क्लिक कर दीजिए, एल्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, एल्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। देखिए चेहरे में का दाग तो सारे मेरे हट चुके हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ये नाक के पास देखिए, और यहाँ पर कलर देखिए, दोनों का डिफरेंट है, तो इसको भी आपको ठीक करना है। तो फिर ब्रश को लेंगे, फिर ब्रैकेट से और एल्ट क्लिक करके यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो चमक है उसको इस तरह से आप
इधर सारे को आपको देख लेना है कि कहाँ कहाँ पर आपको प्रॉब्लम, सबसे पहले उसको ठीक कर लेना है। यहाँ पर भी देख लीजिए कि ज़्यादा व्हाइट है, इसी का एल्ट प्रेस कर इसे कलर लेंगे, और यहाँ पर आपको एडजस्ट कर लेना है, और फिर यहाँ से इस तरह से इसको चला देना है। जहाँ जहाँ व्हाइट है आप पहले उसको ठीक कर लीजिए, जहाँ जहाँ व्हाइट है वहाँ पर आपको ठीक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर भी ओठ के पास भी व्हाइट है, तो यहाँ पर भी मैं ठीक कर ले रहा हूँ, इसी के आसपास में कलर ले लेना है, और जहाँ जहाँ व्हाइट है उसको आपको ठीक कर लेना है। ठीक करने के बाद दोस्तों जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए दाग धब्बे भरे, ठीक है ना, उसके बाद क्या कीजिए, इसका डुप्लीकेट यहाँ से ड्रैगन ड्रॉ क्लिक करके यहाँ पर ही लेयर के पास छोड़ दीजिए, क्लियर बन जाएगा। फिल्टर में जाइए दोस्तों, ब्लर में जाइए, और गार्जियन ब्लर को आप लीजिए, और इसको गार्जियन ब्लर लेने के बाद इसको इतना ले लीजिए, और इसके बाद ओके कर लीजिए। इस तरह धुंधला हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद करना क्या है आपको, उसके बाद करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर पकड़ कर यहाँ पर मार्क्स पर क्लिक कर देना है, या फिर ऐड प्लेयर मास्क पर क्लिक कर देना है, उससे यहाँ पर आ जाएगा इस तरह वाइट का। फिर कंट्रोल आई करना है, कंट्रोल वाई कीजिएगा, देखिएगा पहले जैसा आपको आ गया, यहाँ पर वाइट ही रखना है दोस्तों, वाइट ही इस पर, ठीक है ना, यहाँ पर वाइट ही रखना है फोरग्राउंड कलर में। उसके बाद क्या क्या करना है, फिर मैं टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल एम कर रहा हूँ कि जूम हो जाए, और मैं ब्रश को यहाँ से, अब मैं यहाँ से ब्रश को लेकर मैं यहाँ से इस तरह से, और फिर टैब बटन, ये देखिए ब्रश लिया हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए, और यहाँ पर अपने मन हिसाब से ओपेसिटी फ्लो को रखिए। अब मैं देखिए अब मैं यहाँ पर चला रहा हूँ, थोड़ा सा समय लग रहा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा कि कितने अच्छे फोटो को मैंने स्मूथ बना दिया, और मैं पहले फोटो को भी मैं आपको दिखलाऊंगा, और इस फोटो को मैं भी आपके पास दिखलाऊंगा, दोनों फोटो को मैं हम लोग तुलना करेंगे। तो देखिए कितने अच्छी तरह से स्मूथ हो गया है। अगर आपको थोड़ा सा और लाइट कम पड़ रहा है, तो यहाँ से और थोड़ा सा इनका लाइट बढ़ा सकते, तो देखिए कितने स्मूथ फोटो बन चुकी है। अब यहाँ पर देखिएगा लेयर के पास ये कंट्रोल ई करना है, इसी में क्या करना है, मर्ज कर दिए, और फिर एक लेयर लेंगे, और यहाँ पर जाके फिर से थोड़ा सा इसको लाइट मैं हल्का बढ़ा दे रहा हूँ, और फिर यहाँ से जाएंगे थोड़ा सा कंट्रास्ट ब्राइटनेस भी ले लेते हैं, लेने के बाद दोस्तों फिर एल्ट ई करेंगे, ये दोनों मर्ज हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आपको इसमें कोई क्वालिटी और डिटेल्स पूरी नज़र नहीं आ रही है, तो और काम करेंगे, जाएंगे फिल्टर में जाएंगे, अदर में जाएंगे, हाई पास में जाएंगे, हाई पास में जाने के बाद यहाँ ओके करेंगे, और यहाँ पर नॉर्मल के साथ सॉफ्ट लाइट करेंगे, देखिएगा और इसमें से एकदम चमक निकला। फिर यहाँ से कंट्रोल ई कर देंगे दोस्तों,
फिर यहाँ पर एक और लेयर लेंगे, और हम क्या करेंगे, फिल्टर में जाएंगे, शार्पनेस में जाएंगे, ऑन मार्क शार्पनेस में जाएंगे, उसके बाद भी ओके करेंगे। ये देखिए फिर मर्ज कर लेंगे, फिर एक लेयर लेंगे, और हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने और आपके पास समय है तो फिर फिल्टर में जाएंगे, नॉइस में जाएंगे, ऐड नॉइस में जाएंगे। इससे क्या होता है कि अगर आपको चेहरा में कोई डिटेल्स नज़र नहीं आ रहा है तो थोड़ा हल्का हल्का दाने दाने टाइप के इसमें ला सकते हैं, ओके कर देंगे। अब देखिए एकदम सुंदर सा फोटो आपको बन के आपको रेडी हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेव में जाएंगे, डेस्कटॉप पर इसको लगाते हैं JPG, वो दोनों फोटो को सामने में लाऊंगा, ये इसको यहाँ से ओके किया, और देखिए तो ये देखिए इस तरह से आप फोटो के कितनी अच्छी तरह से आप स्मूथ करके बहुत बेस्ट तरीके से आप फोटो को हम लोग ने बनाया है दोस्तों। अब मैं इस फोटो को आपके पास में, दोनों फोटो को मैं पास में रख रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि दोनों में मैंने क्या किया है। ये देखिए ये मेरा पहले का फोटो था, ये देखिए मेरा पहले का फोटो था दोस्तों, और ये मेरा अब का, अभी मैं फिनिशिंग किया। ये दोनों में आप देख सकते हैं कितनी के डिफरेंट है, जो हम लोग बिना कोई पोटेजर का, बिना कोई थी का, हम लोग ने इसको मैंने बनाया दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो आप इसको लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूले दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।